आज पीर है अक्तूबर की तीस तारीख पाकिस्तान में सुबह शाम के सात भारत में साढ़े सात और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के दस बज रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद खबरों के एक बुलेटिन के साथ इसराइली फजाइया का कहना है कि गुजशत चौबीस घंटों के दौरान उसने ग़ज़म में हमास हम के 600 अहदाफ को निशाना बनाया है। इज़राइल ने कहा कि उसने शाम और لبنان में भी अहदाफ को निशाना बनाया है। इज़राइली फ़ौज ने पीर को कहा कि ये हमले दोनों मुमालिक के जनाब से शुरू किए गए हमलों के जवाब में किए गए थे। इज़राइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ग़ज़ा की वो में दहशतगर्दों के हडपों के दौरान आईडीएफ के फौजियों ने दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक कर दिया जिन्होंने खुद को इमारतों और सुरंगों में छुपकर मगरबी गई अस्कर ग्रोह हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान लबनान इसराइल की सरहद पर इतवार की सुपहर झड़पों में शिदत आ गई है जिसके नतीजे में ईरान के हिमात याफ्ता हिजबुल्लाह का कम से कम एक अस्क्रियत पसंद मौत का शिकार हो गया लबनान की सरकारी खबरसा एजेंसी ने कहा है कि एक इसराइली ड्रोन हमला लबनान के जुनूब मशी सरहदी शहर अलजबल में किया गया जिसमें दो अफरा जख्मी हुए इदारे का कहना है कि लबनान से शिमाली इसराइल की तरफ भारी मिसाइल ताके गए और इसराइली फोर्सेस ने तोपखाने से जवाब दिया लबनान में अगवा मतदा के मिशन ने इतवार के रोज कहा कि मुल्क के जुनूब में वाक उसके अड्डे पर मार्टर गोले लगने से एक अमन फौजी मामूली जख्मी हो गया इसराइल की फौज के ने इतवार की शाम कहा कि हम मास के हाथों अगवा किए जाने वाले यरगमालियों की तादाद दो सौ उनतालीस हो गई है बच्चों की आलमी तनजीम सेव दिल्ड्रेन ने एक बयान में कहा है गजा में तीन हफ्तों में हलाक होने वाले बच्चों की तादाद सन 2019 के बाद से दुनिया के तनाजियात वाले इलाकों में हलाक होने वाले बच्चों की सालाना तादाद से कहीं ज्यादा है इसराइल और हमास की लड़ाई में तीन हजार से ज्यादा बच्चों की जाने जा चुकी हैं सदर जो बाइडन ने इतवार को इसराइली वजी बेनियामिन नेतन्याहू से बात की और इसराइल के अपने शहरीों के दिफा के हक की, हाँ की तोसीक़ करते हुए कहा शहरी के तहफ को तरजीह देनी चाहिए वाइट हाउस ने कहा कि दोनों ने सात अक्टूबर को हमास के हाथों या बनाए गए या के तहफ के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया बाइडन ने गजा में शहरीों की जरूरियात को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर और नुमा तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के बहाव को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया बाइडन ने मिसरी सदर अब्दुल फताह अस्सी से भी बात की और गजा में शहरियों को जरूरी इमदाद पहुंचाने में मिस्र के किरदार का शुक्रिया अदा किया वाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने बश् में देरपा और पायदार अमन के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक किया जिसमें फलसतीनी रियासत का क्याम भी शामिल है इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग के बाद 24 दिन में लगभग तीन दर्जन ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का सबसे बड़ा काफिला गजा में दाखिल हो गया है रजाकारों का कहना है कि ये इमदादी सामान भी लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी नहीं है इतवार को इमदादी सामान से लदे तैतीस ट्रक गजा में दाखिल हुए थे अफगानिस्तान से मुल्क कबायली इलाके कुर्रम में लगभग एक हफ्ते तक जारी रहने वाले मुसल्लह तसादुम और फिर वाराना कशीदगी के बाद फरीकैन में इतवार की शाम जंग बंदी का माहिदा तय पा गया है के बावजूद इतवार और मंगल के दरमियानी शब मुख्तलिफ इलाकों बिलखसूस अफगान सरहद से मुल्क़ा गांवों और देहातों में जदीद खुदकार हथियारों की फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती रहीं जबकि मामूल के तजारती और कारोबारी सरगर्मियां अभी तक बहाल नहीं हुई है हुआ पर अमल दरामद शुरू कर दिया है मकामी लोगों और हुक्म का कहना है कि एक हफ्ते से जारी फिर वाराना कशीदगी और मुसल्ह झड़पों के नतीजे में उन्नीस अफराद हलाक और अट्ठाईस जख्मी हुए हैं रूस की पार्लियामेंट के ऐवान जेरी के चेयरमैन और रूसी सदर पुटिन के इतहादी के मुताबिक अगर यूरोपी ब्लाद फंडस को यूक्रेन की तमीर लिए इस्तेमाल करता है तो रूस मुमकिन तौर पर यूरोपी यूनियन के के असासे जब्त कर लेगा हफ्ते यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सल वॉन देरलियन ने कहा कि वो एक मनसूबे पर काम कर रही हैं जिससे रूस के मुंजमद रियासती असासों से हासिल होने वाले मुनाफे को जंग के बाद यूक्रेन की तामीर नौ के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा रूस ने इतवार को बताया कि उसने बहरे अस्द और जजीरा नुमा क्राइमिया पर गुजता रात हमला करने वाले मार ड्रोन हैं। यूक्रेन जिसने रूस के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है इन हमलों पर कोई तबसरा नहीं किया इतवार को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में दो ग्रोहों के दरमियान हेलोवीन के त्यौहार के दौरान फायरिंग के नतीजे में दो अफराध हलाक और 18 जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है फ्लोरिडा के शहर टेम्पा में हेलोवीन के त्यौहार के दौरान होने वाली इस इज्तिमाई फायरिंग में एक 22 सारा शख्स को गिरफ्तार किया गया है दूसरी जानब जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के एटलांटा कैंपस के करीब चार अफराध को गोली मार दी गई जिनमें से दो ताल थे हुकाम का कहना है कि में से तीन की हालत बेहतर है जबकि एक तशीशनाक हालत में है पुलिस का कहना है कि फायरिंग दो ग्रोहों के दरमियान झगड़े से शुरू हुई सबक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज रियासत आयोवा में एक तकरीर के दौरान मुसलमानों पर उस सफर पर पाबंदी के बारे में बात की जो ट्रंप ने जनवरी सन 2017 में इतदार संभालने के फौरन बाद एक इंतजामी हुक्मनामे के तहत मुतद मुस्लिम अक्सरियत ममालिक शहरी पर आयद की थी इस पाबंदी के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुसलमानों पर लगाई गई इस पाबंदी की अच्छी बात यह थी कि हमें चार साल तक दहशतगर्दी से कोई परेशानी नहीं हुई उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा मुंतखब हुए तो वो सफारी पाबंदी को दोबारा नाफिज करेंगे बांग्लादेश में हजब इख्तलाफ की अहम तरीन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मरकजी क्यादत और एक सौ पचास अहम तरीन रहनमाओं के खिलाफ पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है बंग्लादेश में जनवरी सन दो हजार चौबीस में आम ہونے होने वाले हैं हजब अख्तिलाफ की जमातें से कबुल वजी आजम शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे और आजादाना इलेक्शन के इनका मुतालबा कर रही हैं इतवार को इसी हवाले से होने वाले एहतजाज में एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ था जिसके कत्ल के मुकदमे में हिस्ब इख्तिला एन पी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा इस्लाम, आलमगीर समेत एक सौ चौंसठ अफराद को पुलिस ने मुकदमे में नामजद करने की तस्दीक की है साबित होने पर इन अफराद को मौत की सजा का सामना हो सकता है भारतीय बैरिया के आठ सबक एहलकारों को कतर की एक अदालत की जानब से जमेरा को सुनाए जाने वाले सजाए मौत के फैसले पर भारत में तश्वीश बढ़ती जा रही है कतर के नशरियाती इदारे जजीरा के मुताबिक उनको इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में सजा सुनाई गई है पीर को वजीर खारजा एस एंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हुकूमत उनकी रिहाई की हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगी और वो अहले खाना से रे में है। भारत की रियासत आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसे में चौदह अफरा हलाक और पचास से ज्यादा जख्मी हो गए हुकाम हादसे की वजह इंसानी गलती को करार दे रहे हैं यह हादसा भारत के सरकारी रेलवे निजाम को दो दहाइयों में बदतरीन हादसे का शिकार होने के चंदमा बाद पेश आया है जब दो सौ बानवे अफराद हलाक हो गए थे ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की हमारी वेबसाइट यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इशारा करते हैं जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर नदीम याकूब के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा अल्लाह